Rupees 1,000 for every run scored in CCL 2015. राजा के ऊपर एक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने काफी बार देखा है इनको सीसीएल के मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी करते हुए. स्ट्राइक गेंदबाज है बंगाल टाइगर्स के, पर इस बार दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा एम्पायर सदन विश्वनाथ का. बहुत ही बेहतरीन आज एम्पायरिंग की है सदन विश्वनाथ ने. एक लेग बिफोर मुझे याद है बहुत बढ़िया दिया था और उसको रिव्यू भी किया गया. बिल्कुल साफ सामने पाए गए थे बैट्समैन. बहुत ही अनुभवी और यहां पे उंगली उठती हुई. एक बार फिर विश्वनाथ निर्णय देते हुए राजा को विकेट मिलती हुई. बिल्कुल सामने पाए गए प्रिंस. शायद आगे खेलने वाली गेंद थी जिसको पीछे चले गए थे. प्रिंस नाखुश. 7 रन बनाए प्रिंस ने 6 गेंदों में और पहला झटका तेलुगु वॉरियर्स को. कोई शक नहीं अंपायर के मन में प्लम आउट. 7 पे आउट हुए प्रिंस 25 पे 1. एक बहुमूल्य विकेट मिलती हुई राजा को. इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया लाइन. हालांकि कलेक्शन इतनी बढ़िया नहीं पर लाइन की दाद देनी होगी. देखिए इस तरह से राजा ने ब्रेक थ्रू दिलाया बंगाल टाइगर्स को. प्लम इन फ्रंट सदानंद विश्वनाथ अंपायर के मन में कोई शक नहीं और उसेन बोल्ट की तरह सेलिब्रेशन. जब भागते तो थोड़ी उसेन बोल्ट की झलक आती है. 4 रन बेहतरीन शॉट और क्या अंदाज से अपना खाता खोला है यहां पे एस बाबू ने. बहुत ही बढ़िया शॉट आप इनफील्ड को क्लियर करते हुए और जिसको कहते हैं सही मायने में जो पावर प्ले है उसका लाभ उठाया. जैसे देखा गेंद ओवर पिच है लेकिन किस प्रकार लपके आप बाया कदम आगे निकाला और मिड ऑफ के ऊपर से बहुत ही आप सरलता के साथ खेलते हुए. और गेंदबाज बेचारा क्या करे मात्र गेंद को ही देखता रहा. जी देखिए अब तक राजा ने अच्छी गेंदबाजी की है. सटीक टप्पा और थोड़ी सीम मूवमेंट भी हो रही है. या मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फर्क और अंतर रोहन विनायक के साथ अगर आप तुलना करें जो लाइन है लाइन लगभग ऑस्टम के बाहर रखी है. बेशक इस ओवर में एक बाउंड्री भी लगी है पर लाइन में यार तब्दीली नहीं कर रहे. बाहर काफी सोच विचार चल रहा है और चिंतित चेहरे क्योंकि अगर आप स्कोर पे नजर डालो तो 30 बन गया स्कोर. एज और 4 रन. ओवर की समाप्ति 34 पे 1. Thank you.
अभी तक ये समरी रही है इस मुकाबले की। बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी 152 रन 8 विकेट नुकसान पे। हिंदू वॉरियर्स जवाब में अब 34 रन 1 विकेट नुकसान पे। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 119 रन और चाहिए हिंदू वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए 16 ओवर में। और अब विनायक जो कि काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे, अब उनके स्थान पे कप्तान जीशु देवराज को लेके आए। बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ से प्रेशर रखें। राजा ने अब दूसरी छोर से अब पार्ली जेंट से अच्छी गेंदबाजी की है। देवराज के ऊपर भी अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये देखिए दर्शकों, याद दिलाए कि यह है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम और एक्साइटमेंट। और रोहन शुरुआत बहुत बढ़िया देवरे द्वारा, पर रोहन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अब जैसे मैं भी गेंदबाजी करता था प्रदर्शनी क्रिकेट में, जब मैंने अपनी पहली विकेट ली वो भी एक बहुत बड़ी विकेट थी अमरजीत केपी की, जो काफ़ी रन उनने बनाए प्रदर्शनी क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में, मुझे बहुत खुशी हुई। शायद अपने शतक से भी ज़्यादा खुशी वो विकेट लेके हुई। आपके साथ क्या था, क्या आप शतक लगा के ज़्यादा खुश थे या विकेट लेके? जी देखिए, जिस मैच में मैंने मेरा पहला शतक बनाया उसी मैच में मुझे मेरा पहला फर्स्ट क्लास विकेट भी मिला था, तो मुझे वो मैच क्या बात है वो मैच बड़ा यादगार रहा। लेकिन अफसोस की बात थी कि वो मैच हम हारे। क्वार्टर फाइनल था मध्य प्रदेश के खिलाफ, करीबी मैच हुआ, क्लोज मैच हुआ, 420 हम चेस कर रहे थे और शायद 6 या 8 रन से हारे हम। पर मैंने बहुत ज़्यादा बैट्समैन देखे हैं जो गेंदबाजी खासकर नेट्स में या मैच में बहुत लगन से करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, बहुत चाह से करते हैं, और जब विकेट मिल जाए तो बस फिर जो सेलिब्रेशन है बिल्कुल हुसैन बोल्ट की तरह होता है। सही कहा आपने। मुझे याद है हमारे टीम में भी ऐसे एक बोले थे, देवांग गांधी। कट किया गैप में 4 रन, सचिन जोशी पहुंचे 23 पे 5 चौके की बदौलत। स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन 140 के ऊपर। जी अरोन आज पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं सचिन जोशी, जहां चाह रहे हैं वहां स्ट्रोक खेल रहे हैं। और खासकर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है बैकफुट में जो कट शॉट है वो बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया उसका निष्पादन कर रहे हैं। पूरी तरह से अब गेंद की लाइन में आ रहे हैं और जो गैप उनने ढूंढ लिया है पॉइंट और थर्ड मैन के खिलाड़ी के बीच में उसका पूरा लाभ उठाते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आया। एंगल बदला है अपना, सचिन जोशी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। जी जो लेंथ बंगाल के बॉलर्स डाल रहे सचिन जोशी वो गलत लेंथ है, पता चल रहा है, जाहिर है कि बैकफुट प्लेयर है, कट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। बंगाल बॉलर्स की यह कोशिश होनी चाहिए कि वो उनसे ड्राइव करवाए, आगे गेंदबाजी करे। ये आपने बिल्कुल सही कहा रोहन, क्योंकि देखिए इस विकेट में जहां गेंद रुक के आ रहा है ड्राइव करना के बार इतना आसान नहीं। जब तक आपका पांव पूरी गेंद की पिच तक नहीं जाएगा हमेशा चांस रहता है गेंद हवा में जाए, तो जितना गेंद को ऊपर रखेंगे उतना बेहतर। और ये नई गेंद है, अभी मात्र 5 ओवर ढल रहा है इस पारी का। एक बार फिर ऑस्टम के बाहर, बहुत ही करीबी मामला मुझे नजर आया पर अंपायर का कोई भी इशारा नहीं। यॉर्कर, शाबाश संडे, शाबाश बॉय, अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 41 पे 1।
1-1 check check test 1-1 2 3 4